ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिग थिंग सीजे। गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कलर ओएस थीम के बारे में। अगर आप इस थीम को यूज़ करोगे तो रियली बता रहा हूँ आपको जो है कलर ओएस 7 का फुल्ली फिलअप यहाँ पे इस थीम पर आपको मिलने वाला है। एंड इस थीम पे आपको काफ़ी सारे चेंजेस भी मिलने वाले हैं, तो मैं आपको एक एक करके चेंजेस बता देता हूँ क्या कुछ आपको इस थीम पे चेंजेस मिलने वाले हैं इस थीम को अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले जो आपको चेंजेस मिलने वाला है वो है आइकन पैक पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी आइकन्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं लाइक कलर ओएस के जैसे। आई मीन काफ़ी अच्छा सा लुक आपको यहाँ पे आइकन पैक पे मिल जाता है। एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चेंजेस मिलने वाला है वो है सेटिंग के आइकन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेटिंग के जितने आइकन्स हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। एंड सेटिंग के भी आइकन्स काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ पर आपको शो ऑफ हो रहे हैं। एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चेंजेस मिलने वाला है वो है आपके फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे कुछ इस टाइप से लुक आपको देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो लुक है ये काफ़ी सारे थीम में मैंने आपको बताया था, बट इस थीम पर भी आपको सेम ही लुक मिलने वाला है आपके फाइल मैनेजर पे भी। तो काफ़ी अच्छा ये भी लुक मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा सा लुक मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन पे। एंड साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेटअप मिल जाता है जो कि ओनली सिर्फ शो ऑफ के लिए दिया गया। आप अगर अपने डिवाइस में कोई भी पैटर्न वगैरह नहीं रखते हो तो आप जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का मजा ले सकते हो। कोई भी देखकर बोलेगा आपके डिवाइस में ऑफिशियल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेटअप है। और साथ ही आपको काफी अच्छा लुक में चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है। और क्या चाहिए, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेटअप एंड काफी अच्छी लुक में चार्जिंग एनिमेशन का भी सेटअप मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे काफी अच्छा लुक मिलने वाला है। एंड बात करें इस थीम को क्रिएट किया है किसने, तो इस थीम को क्रिएट किया है टीजे एडवाइस भाई ने। एंड जो आपने फ्रंट पे वॉलपेपर देखा उसे मैंने एडिट किया। मैं आपको दिखाता हूँ किस स्टेप से मैंने इस वॉलपेपर को एडिट करके बनाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस वॉलपेपर को गूगल से डाउनलोड किया। एंड डाउनलोड करने के बाद इसे मैं LR फोटोशॉप से क्रॉप करके एडिट किया। काफी मेहनत लगा इस वॉलपेपर को बनाने में। मैं गूगल पे सर्च भी किया था कलर ओएस 7 लाइव वॉलपेपर, बट गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिला एंड कहीं पे भी ये वॉलपेपर मेरे को नहीं मिला, इसलिए मेरे को मजबूरन ये वॉलपेपर को बनाना पड़ा। बट फिर भी मैं इसे फुल्ली कॉपी कर दिया कलर ओएस 7 के वॉलपेपर के जैसे। आप लोगों को ये वॉलपेपर कैसे लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस थीम को डाउनलोड कैसे करना है एंड डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपको इस थीम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप से जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको कहीं पे भी आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाना है एंड नीचे पे यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे उस पर क्लिक करेगा तो फिर से नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको 15 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपको नीचे पे गेट लिंक ऑप्शन मिलेगा, मेरे को मिल चुका है, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन क्लिक करने के बाद जैसे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाती है तो उस पेज को आपको क्लियर करके हटा देना है। जैसे आप लोग उस पेज को क्लियर करके हटाते हो तो फाइनली यहाँ पे आपको इस थीम का डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस थीम को डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद इसे यूज कैसे करना है, आई मीन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि वो जो थीम है वो कौन से फाइल पे आई है। तो मैंने क्रोम से डाउनलोड किया तो वो जो थीम है वो डाउनलोड पे ही आई होगी, तो मैं डाउनलोड पे चला गया। एंड नीचे पे आप लोग देख सकते हो ये जो थीम है वो अभी जीप पर है, इसे आपको पासकोड इंटर करने के बाद थीम पर कन्वर्ट करना है। तो पासकोड जो है वो स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है कलर ह्यू, तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद स्टार्ट टू डिकम्प्रेस एंड स्टार्ट टू डिकम्प्रेस, उसके बाद आपको 2 सेकंड डिकम्प्रेस पे वेट करना होगा। उसके बाद फाइनली ये जो जीप है वो थीम पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर पर आप लोग देख सकते हो कि न्यू फाइल बन चुकी है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड थीम पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद इस थीम की इंटरफेस कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। एंड नीचे पर आपको ट्राई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन क्लिक करने के बाद फाइनली ये जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगी। एंड अप्लाई होने के बाद अब आपको हर 5 मिनट में ट्रायल स्टॉप की इशू आती है, उसे आपको कैसे फिक्स करना है। तो सिंपली पहला स्टेप है आपको अपने थीम स्टोर के डाटा को क्लियर कर देना है। अपने थीम स्टोर को 2 सेकंड प्रेस करके रखना है, उसके बाद इन्फो पे जाना एंड स्टोरेज यूजेस, उसके बाद आपके थीम स्टोर के जितने भी डाटा है उसे आपको सिंपली क्लियर कर देना है। एंड इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आपको अपने फाइल मैनेजर पे जाना है। एंड फाइल मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कलर ओएस नेम से फोल्डर कहाँ पे है, उस फोल्डर को आपको डायरेक्टली डिलीट कर देना है। इस फोल्डर को डिलीट करने से कुछ भी इशू नहीं होगी, डायरेक्टली आपको इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फाइनली आपको 5 मिनट की ट्रायल जो इशू आती है वो नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी आपको 5 मिनट ट्रायल की इशू आती है तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेट मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, जाकर वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तो रिगेज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताया। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।